वसंत ऋतु के बीतने व होलिका पर्व के नजदीक आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पलाश के फूलों की बहार छाई हुई है, जिससे वातावरण का सौंदर्य बढ़ने लगा है। सड़कों के किनारे लगे पलाश के पेड़ों पर आए फूलों ने सड़कों की रौनक बढ़ा दी है। पलाश के फूल, पत्ते व लकड़ी स्वास्थ्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कई रोगों की दवाई बनाई जाती है। टेसू के फूलों से होलिका पर्व पर रंग भी बनाया जाता है। टेसू फूल के पेड़ ग्राम सैलानी आधा वन आदि ग्रामों में, जहां का वातावरण इन दिनों ऐसा लगने लगा है मानो पेड़ पर किसी ने दहकते अंगारे लगा दिए हैं। आमतौर पर वसंत ऋतु के समय में यह फूल खिलने लगते हैं। होली के आसपास यह फूल चरम पर आकर जंगल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हालांकि रंग उत्सव मनाए जाने में अभी समय है, लेकिन प्रकृति ने उसकी तैयारी वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेसू के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे हैं। आज भले ही हमें केमिकल युक्त रंग गुलाब से होली पर्व मनाने लगे हैं, लेकिन एक समय था जब पूर्वज पलाश के फूलों से ही होली खेला करते थे। पलाश के फूल को होली के लिए एक दिन पहले एकत्रित कर उसे मिट्टी के पात्र में रखकर गर्म करते थे, इससे प्राकृतिक रंग तैयार होता था। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।